So it's now the topic scheduling and memory management. So we have studied multi-programming operating systems and uni-programming operating systems. So from that we got multi-programming operating systems are fairly complex compared to uni-programming systems. Complex इस सेंस में होता है कि हमारे पास मल्टीपल जॉब्स होते हैं. अब उनमें से डिसाइड करना होता है कि किसको पहले एग्जीक्यूट किया जाए और किसको बाद में एग्जीक्यूट किया जाए. सो इन दिस सेंस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर फेयरली कम्प्लेक्स. सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आइडिया था वो यही था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये मेमोरी है तो मेमोरी में हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं. यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंट मॉनिटर होता है या जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और यहाँ पे यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक ही सिंगल प्रोग्राम था तो ठीक था, वो तो सिंपल था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता, इसी एक ही प्रोग्राम को यूज़र प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता और आउटपुट डिवाइस पे किसी किस्म का आउटपुट दे देता. लेकिन अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम अगर ये चाहे कि माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा टाइम के लिए आइडल ना बैठे बल्कि वो प्रोसेसिंग कर ले, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्स लेके आ जाते हैं, मल्टी जॉब्स लेके आ जाते हैं. और जॉब्स कहाँ से आ जाते हैं, हमारे पास क्या होता है, बैच होता है. ठीक है, बैच से यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू फॉर एग्जाम्पल 5. सो अब यहाँ पे मसला मल्टी प्रोग्रामिंग में ये आ जाता है कि इसी यूज़र प्रोग्राम में ये 5 या मल्टीपल जॉब्स किस तरह एडजस्ट किया जाए. फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेस कम है और प्रोग्राम ज़्यादा है, तो क्या किया जाए, एक ही प्रोग्राम को या रखा जाए या दो प्रोग्राम्स को रखा जाए. अगर अगर रखा जाए तो कौन से को पहले रखा जाए, कौन से जॉब को दूसरा रखा जाए. ठीक है, यानी कि स्पेस को एडजस्ट करना है. जिस तरह हमारे पास हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम अक्सर इस तरह करते हैं कि हमारे पास स्पेस कम होता है और हमने बंदों को या किसी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है और उनकी नंबर ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए फिर मेमोरी मैनेजमेंट करनी चाहिए. इस केस में कि हमारे पास प्रोग्राम्स ज़्यादा हो, हमारे पास जॉब्स ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट. हमको मेमोरी इस तरह मैनेज करनी होगी कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं वो पहले आ जाए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दिया जाए और जो के बाद जो लेस इम्पोर्टेंट हो उसको थोड़ा 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 सा स्पेस दिया जाए. ठीक है, सो इसी तरह दूसरा मसला क्या होता है, फिर जब हम यहाँ पे 4 to 5 या मल्टीपल जितने भी हो प्रोग्राम्स को एडजस्ट कर लिया थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट. अब बात आ जाती है कि कौन से प्रोसेस को या कौन से जॉब को पहले प्रोसेस करना है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, हमारे पास 2, 3 या 5 हमारे पास क्या है, हमारे पास जॉब्स हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा सबसे पहले प्रोसेस करेगा, जिस तरह हमारे पास शादियों में अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास ढेर सारे मेहमान आ जाते हैं, उनमें कुछ दूर से आ जाते हैं, कुछ हमारे गांव के ही होते हैं, तो उसमें हम फिर मैनेजमेंट करते हैं कि यार सबसे पहले उन मेहमान को सर्व किया जाए जो कि दूर दूर से आए हों ताकि वो टाइम पे फारिग हो जाए और वापस अपने वो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे चले जाएं. तो इस तरह यहाँ पे भी हमें क्या करनी होगी, हमें शेड्यूलिंग करनी होगी कि कौन कौन से जॉब्स को कौन कौन सा टाइम दिया जाए और कौन कौन से टाइम पे उनको एग्जीक्यूट किया जाए. सो इसके लिए फिर क्या यूज़ होता है, इसके लिए फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं. तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करेंगे शेड्यूलिंग के, व्हाट्स एक्चुअली शेड्यूलिंग और कौन कौन से शेड्यूलिंग हमारे पास है जिसके थ्रू हम ये जॉब जो है उसको शेड्यूल कर सकते हैं. सो शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि कौन सा जॉब जो है कब एग्जीक्यूट किया जाए. ठीक है, जिस तरह हमारे कॉलेजों में या हमारे कोई और फंक्शन होता है उसका अपना शेड्यूल होता है और उसके मुताबिक वही फिर कंडक्ट होता है. ठीक है, जिस तरह अगर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा दूँ
आपके कॉलेज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट सेमिस्टर्स होते हैं, तो मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, उनकी अरेंजमेंट इस तरह करनी होती है कि सारे सब्जेक्ट्स और सारे क्लासेस को क्या किया जाए, स्पेसिफिक और इक्वल टाइम दिया जाए, लाइक टाइम टेबल को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि सारे सब्जेक्ट्स को सेम ही टाइम मिले। तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, इसको एक्चुअली शेड्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस को कि जिस प्रोसेस के तहत प्रोग्राम्स को टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको शेड्यूलिंग कहा जाता है। सो शेड्यूलिंग इज की टू मल्टी प्रोग्रामिंग। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो उसमें शेड्यूलिंग मस्ट आएगी। अगर यूनी प्रोग्रामिंग है तो उसमें तो एक ही प्रोग्राम होगा, तो उसमें शेड्यूलिंग का ऐसा कोई ख़ास रोल नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर ने उसी एक ही प्रोग्राम या जॉब को एग्जीक्यूट करना होगा। इट मीन्स व्हेन टू एग्जीक्यूट विच प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम को कब एग्जीक्यूट करना है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। हम बार बार कहते हैं कि प्रोसेस किया जाए या ये प्रोसेस है, ठीक है, तो एक्चुअली प्रोसेस क्या है, एक्चुअली प्रोसेस वही जॉब है या वही प्रोग्राम है, लेकिन व्हेन इट कम्स अंडर द प्रोसेस, अंडर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेसर, इट्स कॉल्ड अ प्रोसेस देन। सो फर्स्ट जो शेड्यूलिंग है वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, ये मैं आप लोगों को समरी बता दूं कि इसका काम ये होता है कि इसने क्या करना होता है, हमारे पास बैच में जो डिफरेंट जॉब्स होते हैं उनमें से फिर मेमोरी तक जॉब्स को लाना है कि मेमोरी कितने जॉब्स वो एडजस्ट कर सकता है, वन आर मोर देन वन। तो फिर उसके मुताबिक लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या करता है, बैच से क्या करता है, प्रोग्राम्स को लाता है मेमोरी में। दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। सो दिस डिटरमिन्स विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोग्राम ठीक है उसको एडमिट किया जाए मेमोरी में ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। सो इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि प्रोसेसर कितने ज़्यादा जॉब्स को प्रोग्राम प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोसेसर है वो एक ही टाइम पे 3 जॉब्स को प्रोसेस कर सकता है, तो इट मीन्स कि इट्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग इज 3। इसी तरह अगर कोई प्रोसेसर है वो एक ही टाइम पे 5 या 10 या 15 जॉब्स को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, तो इट मीन्स के उसका जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग है वो क्या है, वो 5, 10 या 15 या 20 है। तो एक्चुअली यही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग कौन कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। वो चेक करता है कि मेमोरी के लिए अब इस टाइम पे कितने वो जॉब्स उसको प्रोसेस कर सकता है, तो वो डिसाइड करता है कौन, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। सो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी। वंस जॉब आर प्लेस्ड ऑन द मेमोरी, जब जब जॉब्स बैचेस से आ जाते हैं मेमोरी पे, तो इट बिकम्स अ प्रोसेस एंड इज एडेड टू द क्यू फॉर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जब जब जॉब्स हमारे पास बैच से आ जाते हैं मेमोरी में, तो अब मेमोरी में भी उनकी एक कतार बन जाती है, और ये कतार एक्चुअली किन जॉब्स की होती है, उन जॉब्स की होती है जो कि अब क्या क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। तो अब उस मेमोरी में जो कतार बन जाता है उसको फिर कौन हैंडल करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सो इन बैच सिस्टम्स वो होते हैं जहाँ पे वी आर कलेक्शन और बैचेस ऑफ जॉब्स आर फॉर्म। लास्ट टाइम हमने एक फिगर भी बता मैंने शो किया था कि हमारे पास एक बैच है, बैच मींस एक कलेक्शन ऑफ जॉब्स, सारे जॉब्स यहाँ पे वो कंबाइन हो जाता है इन इस बैच से। फिर प्रोसेसर क्या करता है, एक एक जॉब को लाता है मेमोरी में और इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इसकी बारी आ जाती है, फिर इसकी बारी आ जाती है। सो ये पॉइंट इसी को डिस्कस कर रहा है कि वी आर कलेक्शन ऑफ और बैचेस ऑफ जॉब्स आर फॉर्म, दिस इज एक्चुअली अ कलेक्शन और बैच ऑफ जॉब्स, न्यू जॉब्स आर एडेड इन टू डिस्क एंड हेल्ड इन बैच क्यू, ठीक है, बैच क्यू।
यहाँ पे जॉब्स इकट्ठे होते हैं और एक कतार उसका बन जाता है। फ्रॉम दिस क्यू लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग देन क्रिएट्स प्रोसेसेस। फिर इसी कतार से यहाँ पे जो लिस्ट बना है प्रोग्राम्स का, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स का लिस्ट बना है उसी से फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, एक एक शेड्यूल या दो दो शेड्यूल को, एक एक जॉब्स या दो दो जॉब्स को क्या करता है, रैम पे लेके आ जाता है ताकि उसको प्रोसेसर क्या कर ले, एग्जीक्यूट कर ले। सो शेड्यूलर लॉन्ग टर्म जो शेड्यूलर है वो दो डिसीजन लेता है। कौन सा डिसीजन लेता है? द शेड्यूलर मस्ट डिसाइड दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन टेक वन और मोर एडिशनल प्रोसेसेस। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो ये डिसाइड करता है कि वो डिसीजन लेता है कि प्रोसेसर कितने एडिशनल प्रोसेस को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, वन या मोर देन वन। और दूसरा फैसला क्या करता है, दूसरा डिसीजन क्या करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड्स विच जॉब्स टू बी एक्सेप्टेड एंटर इनटू प्रोसेस। एक तो है कि कितने जॉब्स वो एडजस्ट कर सकता है, और दूसरा है कि कौन कौन से जॉब्स को वो अब क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और कौन से एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सारे कौन डिसाइड करता है? ये सारे डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि बैच हैं, बैच से जॉब्स आ गई मेमोरी पे, तो ये काम किसका था? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का था। अब हमारे पास जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, अब ये क्या करेगा? अब ये यही करेगा कि अब हमारे पास मेमोरी में जो क्यू बना है जॉब्स का, अब उन्हीं से जॉब्स को या प्रोग्राम्स को क्या करेगा, प्रोसेसर के लिए सेलेक्ट करेगा कि अब इसकी बारी है, इसको आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्पैचर। ठीक है, एंड इट डिसाइड्स विच जॉब टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, कि नेक्स्ट अब प्रोसेसर कौन सा जॉब एग्जीक्यूट करेगा, ये अब फैसला कौन करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड शेड्यूलिंग देम फॉर एग्जीक्यूशन। हमारे पास रैम पे या यूजर जो प्रोग्राम एरिया है वहाँ पे बहुत सारे क्या पड़े हैं, प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस मींस के अब वो प्रोसेस करने के लिए तैयार है, रेडी है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उन्हीं में से सिलेक्शन करेगा के इनमें से कौन अब क्या होगा, प्रोसेस होगा, या उनमें से कौन कौन सा वाला माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिसाइड विच प्रोसेस विल बी शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक्चुअली क्या करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करता है, और उन्हीं एल्गोरिथम की बेस पर क्या होता है, प्रोसेस सेलेक्ट होता है किस चीज़ के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, के मेमोरी के प्रोसेसर उसको क्या कर ले, प्रोसेस कर ले। तो एक्चुअली रैम पे जो ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो क्या, वो कौन डिसाइड करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द चॉइसेस ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग के जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। किस सेंस में इंपॉर्टेंट होते हैं? इफ इट सेलेक्ट्स अ प्रोसेस विच विद अ लॉन्ग बर्स्ट टाइम देन ऑल द प्रोसेसेस आफ्टर दैट विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द रेडी क्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रैम में 3 to 4 या फॉर एग्जाम्पल 4 कंसिडर कर ले कि प्रोसेस रेडी है प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, अगर वो एक ऐसा एल्गोरिथम यूज़ कर ले कि जो ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट कर ले कि जिसको प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है बाकी 3 प्रोसेसेस से, तो अब इस केस में क्या होगा, प्रोसेसर क्या करेगा, उसी उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे और टाइम ज़्यादा लेगा, और बाकी जो 3 प्रोसेसेस है वो क्या करेंगे, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेट करेंगे। सो इसके लिए आसान हल ये है कि ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और डिज़ाइन किया जाए या यूज़ किया जाए ताकि जो इम्पोर्टेंट ताकि वो इम्पोर्टेंस को भी देखे और टाइम को भी देखे कि कौन सा ज़रूरी है और कौन सा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सो एक्चुअली
ये कौन डिसाइड करता है? ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है। अगर ये केस बन जाए कि ज़्यादा टाइम वाला प्रोसेस जो है वो सबसे पहले प्रोसेसर के लिए आ गया प्रोसेसिंग के लिए, तो दिस इज़ नोन एज स्टारवेशन एंड इट मे हैपन इफ अ रॉन्ग डिसीजन इज मेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर गलत फैसला करता है और कोई ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करता है जो कि ज़्यादा टाइम लेगा, तो इस केस को क्या कहते हैं? स्टारवेशन। क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेसेस है वो भूखे पड़े हैं, भूखे भूखे खड़े हैं। स्टारवेशन एक्चुअली मीन्स के भूखा है बंदा, तो वो भूखे हैं किस चीज़ का? प्रोसेस प्रोसेस करने के लिए। तो एक्चुअली इस तरह शेड्यूलर यूज़ किया जाए कि क्या हो जाए कि इक्वल टाइम और सब कुछ इस तरह मिल जाए प्रोसेसर के लिए कि स्टारवेशन ना हो पाए। ये सॉर्ट ऑफ ब्लॉक डायग्राम है किस चीज़ का? शेड्यूलिंग का, कि यहाँ पर क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? हमारे पास जो स्टोरेज पूल है या जो क्यू है या जो बैच है वहाँ से क्या करता है? जॉब्स को सेलेक्ट करता है और मेमोरी पे लेके आ जाता है। तो जब ये मेमोरी पे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जॉब्स रेडी हो जाते हैं किस चीज़ के लिए? प्रोसेस के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है? रेडी क्यू, कि वो कतार जॉब्स का कि जो के प्रोसेस होने के लिए रेडी है। अब इनमें से कौन कौन से प्रोसेस होंगे वो डिसाइड करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? बैच से मेमोरी पे लेके आ जाता है, फिर शॉर्ट टर्म क्या करता है? मेमोरी से प्रोसेसर में लेके आ जाता है और वो प्रोसेस करता है। ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन वो सेक्शन है इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो जो कि आउटपुट डिवाइस है, और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल टू, और ये दोनों प्रोसेसेस क्या करना चाहते हैं? उसी एक ही आउटपुट डिवाइस को यूज़ करना चाहते हैं। तो उसका भी यहाँ पे एक कतार होगा कि पहले उसी आउटपुट डिवाइस को ये वाला प्रोसेस क्या करेगा? यूज़ करेगा, और फिर उसके बाद ये वाला प्रोसेस यूज़ करेगा। तो इस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस वेटिंग क्यू भी बन जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो इस तरह ये सारा मल्टी प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है इस तरह फंक्शन करता है। नाउ अनदर एस्पेक्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट्स एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट? अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सो एक्चुअली इन यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको रेजिडेंट मॉनिटर भी कहा जाता है, एंड द अदर वन इज़ फॉर द प्रोग्राम करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो था तो उसमें हमारे पास जो मेमोरी था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता। पहला ये जो था ये रेजिडेंट मॉनिटर यहाँ पे होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे ये यूज़र प्रोग्राम एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जॉब होता है जिसको प्रोसेसर क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, और जिसमें एक्चुअली इम्प्रूवमेंट क्या आ गई? इम्प्रूवमेंट या चेंज इस तरह से आ गई कि हमारे पास जो रैम था तो उसमें जो सेकंड पोर्शन था ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हिस्सा था, और ये जो यूज़र प्रोग्राम एरिया था तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोग्राम जो कि रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते थे। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोग्राम वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स प्रोग्राम्स हैं जो कि रेडी है फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर। ठीक है, तो दिस सब डिवीजन इज डन डायनेमिकली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द यूजर प्रोग्राम एरिया इज सब डिवाइडेड टू एकोमोडेट मल्टीपल प्रोसेसेस। अब यहाँ पे ये मल्टीपल प्रोसेसेस किस तरह एडजस्ट होंगे इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? डायनेमिकली मेमोरी मैनेजमेंट करता है।
डायनेमिकली मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हर दफ़ा ये डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट करता है, क्योंकि इस तरह तो होता नहीं है कि हमारे पास हमेशा जो जॉब्स होते हैं बैच में वो एक ही तरह के जॉब्स होंगे जो कि एक ही तरह का स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास जॉब्स का नेचर जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसकी मुनासिबत से ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो यूज़र प्रोग्राम का एरिया है उसकी मुनासिबत से इसी एरिया का भी वो डायनेमिकली क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट मींस के एक ऐसा जॉब जो कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको ज़्यादा स्पेस अलॉट करेगा, जो कि थोड़ा सा कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या अलॉट करेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ दिस यूज़र प्रोग्राम एरिया एंड दिस इज़ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, के यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम आते हैं और हमारे पास प्रोसेसर फिर हर एक को अलग अलग वो प्रोसेस करता है। सो इसका मतलब है कि इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट इज वाइटल इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक ही प्रोग्राम इस तरह एडजस्ट कर ले कि जो कि सारा मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसका मतलब यह है कि बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए स्पेस नहीं होगा और वो फिर वेट करेंगे। सो इफ देयर आर फ्यू प्रोसेसेस इन मेमोरी देन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द प्रोसेसर विल बी वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट एंड द प्रोसेसर विल बी आइडल। अब अगर हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट नहीं हो पाती, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यूज़र प्रोग्राम एरिया है किस चीज़ का, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट इस तरह हो गई कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोग्राम यहाँ पे आ गया और एक प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, तो टोटल टू प्रोग्राम्स आ गई। तो अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये अब प्रोसेस के लिए रेडी है। तो जब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर वो क्या करता है, इसको इसको प्रोसेस कर लेता है इस फर्स्ट नंबर, और इस दौरान अगर इसका किसी और इनपुट आउटपुट से वो इनपुट आउटपुट से एक कोई सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ गई बीच में से, तो फिर क्या करेगा ये प्रोसेसर, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टॉप कर लेगा और इसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर लेगा। तो अब होता यह है कि चूंकि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होती है तो माइक्रो प्रोसेसर इसी सेकंड या दूसरा जो प्रोग्राम है उसको विद इन सेकंड्स प्रोसेस कर लेगा और फिर वो यहाँ पे वेट करेगा। क्यों वेट करेगा, इसलिए वेट करेगा कि क्योंकि जो पहला प्रोग्राम है वो अभी तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी है। क्यों बिजी है, एज वी हैव सेट के प्रोसेसिंग स्पीड एज फास्टर देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इस केस में भी फिर प्रोसेसर क्या करेगा, वेट करेगा, आइडल बैठेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने मेमोरी मैनेजमेंट इस तरह कर ली है कि मेमोरी जो यूज़र प्रोग्राम एरिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स एडजस्ट हो सके ताकि माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। इससे बेहतर है कि इस तरह मैनेजमेंट हो जाए कि यहाँ पे तीन या चार छोटे छोटे प्रोग्राम्स एडजस्ट हो जाएँ, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट। सो इफ देयर वर फ्यू प्रोसेसेस इन मेमोरी देन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द प्रोसेसेस विल बी वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट एंड द प्रोसेसर विल बी आइडल। ये जो मैंने अभी बात डिस्कस की ये पॉइंट इसी पॉइंट का यही मतलब है। दिस मेमोरी मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो टू पैक एज मेनी एज प्रोसेसेस एज पॉसिबल। इसका मतलब है कि मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि यूज़र प्रोग्राम जो एरिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या एडजस्ट हो सके, जॉब्स वहाँ पे एडजस्ट हो सके और प्रोसेस करने के लिए रेडी रहें। नो नाउ मेमोरी मैनेजमेंट का एक जो टेक्निक है उसको कहा जाता है स्वैपिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्वैपिंग, व्हाट इज एक्चुअली स्वैपिंग। सो एज इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज आर मच स्लोअर देन प्रोसेसिंग स्पीड। हम इसी टॉपिक में कई दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से क्या है, फास्ट है। सो ड्यू टू विच प्रोसेसर यूज टू सिट आइडल इन यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। और यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में फिर प्रोसेसर क्या करता है, वो आइडल बैठता है, कोई काम नहीं करता। एंड दिस वॉज एक्चुअली द डिसएडवांटेज ऑफ यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। सो इसके बाद
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें हमारे पास तीन क्यूज हैं। कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म क्यू, जो कि वहाँ पे क्या होते हैं, न्यू प्रोसेसेस होते हैं। शॉर्ट टर्म क्यूज फॉर रेडी प्रोसेसेस, और शॉर्ट टर्म क्यू जहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि प्रोसेस करने के लिए रेडी होते हैं। एंड इनपुट आउटपुट क्यू ऑफ प्रोसेस, और थर्ड क्यू है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्यू वो क्यू होता है जहाँ पे प्रोसेसेस वेट करते हैं कि किसी खास इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या कर लें, एक्सेस कर लें, या वहाँ पे या वहाँ से डेटा रीड कर लें, या वहाँ पे डेटा राइट कर लें, एज शोन इन द फिगर। सो फिगर यही है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म क्यू है जहाँ पे हमारे पास जॉब्स एक क्यू में, एक कतार में क्या है, वेट कर रहे हैं टू बी रिटन ऑन टू द रैम। अब जब यहाँ से इन्हीं ब्लॉक से प्रोग्राम्स रैम पे आ गई, तो रैम में भी यहाँ पे एक क्यू बन जाती है, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म क्यू। तो अब लॉन्ग टर्म क्यू क्या है? लॉन्ग टर्म क्यू में ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि रैम में आते हैं, और रैम से फिर शॉर्ट टर्म क्यू बन जाती है, जहाँ से ये फिर प्रोसेसर को जाती है प्रोसेसिंग के लिए। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्यूज़ हैं। इनपुट आउटपुट क्यूज़ मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक ख़ास इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्लो होता है, तो यहाँ भी ये एक क्यू बन जाता है। तो जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट वन प्रोसेस है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर लेता है, वो यहाँ से डेटा रीड कर लेता है या राइट कर लेता है, तो वो दोबारा इसी क्यू में आ जाता है, और फिर प्रोसेसर इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है या फर्दर प्रोसेस करता है। तो इसी इनपुट आउटपुट क्यू में ज़्यादातर टाइम लग जाता है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। सो यही कंसेप्ट है किस चीज़ का, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, ठीक है। लेकिन इन दिस केस मेमोरी होल्ड्स मल्टीपल प्रोसेसेस एंड प्रोसेसेस कैन मूव टू अनदर प्रोसेसेस व्हाइल वन प्रोसेस इज वेटिंग। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी वही बात हो जाती है कि हमारे पास प्रोसेसर का जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम्स मेमोरी में ज़्यादा भी हों, तो तब भी क्या करते हैं, प्रोसेसर इनको इसको प्रोसेस करता है। ये अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में यहाँ पे बिजी हो जाता है, तो फिर इसको प्रोसेस करता है। सो अगर ये भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिजी हो जाता है, तो फिर प्रोसेसर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह प्रोसेसर सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर लेता है, लेकिन वहाँ पर स्टॉप हो जाता है जहाँ पर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी फिर एट द एंड माइक्रो प्रोसेसर आइडल होता है, क्योंकि बाकी जो सारे प्रोसेसेस हैं वो किस चीज़ में बिजी होते हैं, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी रहते हैं। सो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में भी, सॉरी के मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में भी माइक्रो प्रोसेसर का आइडल होना वो भी ऑब्वियस है। सो इसका यही मतलब है जो अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कि इन दिस केस मेमोरी होल्ड मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है, एंड प्रोसेसर कैन मूव टू अनदर प्रोसेस। मेनी प्रोसेस होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, और प्रोसेसर एक से दूसरी की तरफ क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि द फर्स्ट वन इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, बट दिस ऑल्सो कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एज प्रोसेसर इज टू फास्टर देन इनपुट आउटपुट। इसमें प्रोसेसर एक प्रोसेस से दूसरी की तरफ शिफ्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्लो होता है, तो इसमें भी प्रोसेसर क्या करता है, फिर आइडल होता है। सो इवन विद मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसर कुड बी आइडल मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें भी प्रोसेसर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आइडल होता है। सो अभी हमने जो डिसएडवांटेज डिस्कस किया मल्टी प्रोग्रामिंग का, तो उसका तो एक सलूशन ये है कि क्या करें, हम मेमोरी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लें।
तो जब मेमोरी का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। या वी कैन से कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वहाँ पे ज़्यादा वो प्रोग्राम्स एडजस्ट कर सकता है, और इसी तरह जो प्रोसेसर का आइडल बैठना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें दो मसले हैं। मसले हैं कि एक तो मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव है, वो हम इस तरह सोल्यूशन नहीं दे सकते कि बस मेमोरी का साइज़ इंक्रीज कर ले, क्योंकि फिर साथ में कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है रैम का, ठीक है। और साथ में इस तरह अगर हम कॉस्ट अगर आहिस्ता आहिस्ता हम ये कंसिडर कर ले कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉस्ट वो डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रोग्राम्स का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लार्जर मेमोरी रिजल्ट्स इन लार्जर प्रोसेसेस नॉट मोर प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि मेमोरी इंक्रीज हो रही है लेकिन साथ में नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि प्रोसेसेस का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस वन इज़ नॉट अ सोल्यूशन, अवायबल सोल्यूशन कि हम मेमोरी का जो है साइज इंक्रीज कर ले तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोग्राम्स एडजस्ट हो सकते हैं। एंड द अदर सोल्यूशन इज़ स्वैपिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एक्चुअली स्वैपिंग इज। डिस्क हैज़ अ लॉन्ग टर्म क्यू ऑफ प्रोसेसेस। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास एक क्यू होता है, एक कतार होता है डिस्क में, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, एक बैच होता है, और बैच में हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं जो कि रेडी होते हैं, जो कि वेट कर रहे होते हैं कि क्या कर लें, प्रोसेस मेमोरी में चले जाए और रैम उसको प्रोसेस कर लें। विच आर ब्रॉट टू मेमोरी वन बाय वन एज स्पेस बिकम्स अवेलेबल। जो ही प्रोसेसर में स्पेस हो जाता है तो उनको मेमोरी में वो लेके चले जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एज प्रोसेस इज कम्प्लीट दे आर मूव आउट ऑफ द रैम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैम है, वन बाय वन जॉब्स आता है, वन बाय वन जॉब्स आता है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे एट अ टाइम मल्टीपल प्रोग्राम भी आ जाते हैं मेमोरी में। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है तो फिर ये मेमोरी से रिमूव कर दिए जाते हैं और प्रोसेस को वहाँ पे लेके आया जाता है। सो ऑफन सिचुएशन अराइज इन विच ऑल प्रोसेस आर वेटिंग फ्रॉम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। लेकिन एक सीनेरियो इस तरह बन जाती है कि हमारे पास ये रैम है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म क्यू है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि थ्री प्रोग्राम्स रेडी है प्रोसेस करने के लिए और प्रोसेस ने उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब एक्सीडेंटली इस तरह सिचुएशन बन जाती है कि ये जो प्रोग्राम है ये भी किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है, ये भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है, और ये भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है कि प्रोसेसर वेट कर ले, तो उसके लिए फिर प्रोसेसर क्या करेगा, आइडल बैठेगा। सो इस मसले को हल करने के लिए कि प्रोसेसर आइडल ना बैठे, एक और क्यू भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट क्यू। इंटरमीडिएट क्यू में क्या होता है, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं उनको स्वेप आउट किया जाता है इंटरमीडिएट क्यू में, और यहाँ ये जो जगह खाली हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म क्यू है वहाँ से नया प्रोग्राम लेके आया जाता है, और इसको प्रोसेसर क्या कर लेता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर क्या क्या हो जाता है, आइडल नहीं बैठता बल्कि स्वेप आउट कर लेता है और नए प्रोग्राम्स को स्वेप इन कर लेता है और उनको और उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह वो प्रोसेसर का जो टाइम है वेट करने का वो यूटिलाइज हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्वेपिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो विदाउट स्वेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर हम देखें तो उसमें ये हमारे पास लॉन्ग टर्म क्यू है, ये डिस्क स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोग्राम्स हैं,
जो कि इसी मेमोरी में आएंगे, यहाँ पे रेडी है, इसी मेमोरी में आएंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे और फिर आउट होंगे, ठीक है। फिर और भी आएंगे, और भी आएंगे, और इस तरह एग्जीक्यूट होके फिर वो फ्लैश होंगे मेमोरी से। लेकिन अब जब स्वैपिंग इंट्रोड्यूस हो गई तो अब यहाँ पे एक और क्यू भी इंट्रोड्यूस हो गई, जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट क्यू। यहाँ पे वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं, यहाँ पे वो उन प्रोग्राम क्यू होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रहे होते हैं। तो उन सारों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है या स्वैप आउट किया जाता है और यहाँ से नए प्रोग्राम्स को इन कर दिया जाता है। तो और उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेता है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। या इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ के जो प्रोसेस हैं वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद स्वैप इन कर दिए जाते हैं। तो इस तरह जो माइक्रो प्रोसेसर का वो आइडल बैठना होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है और टाइम जो है वो कंज्यूम कर दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। सो दिस वॉज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ स्वैपिंग। सो नाउ अनदर टेक्निक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज पार्टीशनिंग। इसमें इस तरह होता है कि मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है इन स्पेसिफिक पार्टीशंस। तो पार्टीशन के भी तीन टाइप्स है और तीन तरीक़ों से एक्चुअली मेमोरी को क्या किया जाता है, वो डिवाइड किया जाता है। और डिवीजन किस लिए किया जाता है? किया जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं उनमें हमारे पास मेमोरी में मल्टीपल नंबर ऑफ या वी कैन से लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस एडजस्ट हो सकते हैं, विच इज़ अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। सो उन लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एडजस्ट करने के लिए मेमोरी को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो इसको डिवीजन को क्या किया क्या कहा जाता है? पार्टीशनिंग। सो पार्टीशनिंग के तीन टाइप्स हैं, एक दो मेन टाइप्स है, एक है के फिक्स्ड साइज पार्टीशन और दूसरा है डायनामिक साइज पार्टीशन। सो फिक्स्ड साइज पार्टीशन में फिर टू टाइप्स हैं, एक है इक्वल साइज पार्टीशन और दूसरा है अनइक्वल साइज पार्टीशन। फिक्स साइज पार्टीशन ये दोनों हैं। इसमें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल हमने अगर कंसिडर कर लिया कि इस मेमोरी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर एक हिस्सा 8 MB का है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फिक्स्ड है और फिक्स में फिर हर एक जो पार्ट है या हर एक जो सेक्शन है वो भी फिक्स्ड साइज के हैं, ठीक है। तो ये है फिक्स्ड और इक्वल साइज के हैं। सॉरी, सारे आप लोग देख सकते हैं कि सारे जो है 8 MB के हैं। अब दूसरा टाइप फिक्स्ड क्या क्या है? फिक्स्ड का ये है कि इसमें भी साइज चेंज नहीं होता, साइज फिक्स होता है लेकिन हर एक हिस्से का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब है 2 MB, 4 MB, 6 MB, 8 MB, 8 MB, 12 MB, 16 MB, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है? ये दोनों फिक्स्ड हैं और फिक्स्ड में फिर ये अनइक्वल है और ये इक्वल पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इस जो इक्वल साइज फिक्स पार्टीशन में ड्रॉबैक ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह केस भी हो सकता है कि एक प्रोग्राम 5 MB स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो जब यहाँ पे 5 MB एडजस्ट हो जाएगा तो 3 MB वेस्ट हो जाता है। इस तरह भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम 10 MB का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा लेकिन वो यहाँ पे वो एडजस्ट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीशनिंग हो गई है वो 8 MB की है। अब दूसरी में भी यही केस है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोग्राम है वो 2 MB का है तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम 5 MB का है तो 5 MB या तो एडजस्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 MB ज़ाया होगा और यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 5 MB को ऑक्यूपाई ये अलाट कर लेते हैं तो 3 MB वो वेस्ट हो जाता है। सो इस मसले को हल करने के लिए फिर कौन सा पार्टीशन का टेक्निक आ गया, उसको या तो कहते हैं वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग या डायनेमिक पार्टीशनिंग कहा जाता है। डायनेमिक या वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोग्राम
वो मेमोरी की डिवीजन की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ये 64 MB का की मेमोरी है, उसमें से 8 MB ऑपरेटिंग सिस्टम को अलर्ट हो गई, रिमेनिंग हमारे पास 56 MB है। अब हमारे पास एक प्रोसेस आ गया जिसके जिसका साइज है 20 MB, तो 20 MB आउट ऑफ 56 MB उसको अलर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग कितना बाकी रह जाएगा, 36 MB। अब दूसरा प्रोसेस आ गया तो वो कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 14 MB। तो उसके साथ तो पहले वाले के साथ एडजेसेंट जो 14 MB है वो उसको अलर्ट हो गई। इस तरह अब कोई तीसरा प्रोसेस आ गया जो कि ऑक्यूपाई करता है 18 MB, तो 18 MB भी अलर्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक 4 MB का स्पेस जो है वो ज़ाया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सच में भी इस तरह कोई प्रोग्राम ना हो कि जिसका साइज़ 4 MB का हो, तो इसकी वजह से अब एक होल या होल रह जाता है या स्पेस हमारे पास रह जाता है। अब इस तरह भी हो सकता है कि जिस तरह हमने स्वैपिंग का ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले स्टडी कर लिया, तो अब फॉर एग्जांपल ये जो तीन प्रोसेस हैं इनमें ये जो सेकंड नंबर है ये किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, इट मींस कि ये रेडी नहीं है, तो क्या हो जाता है, ये स्वैप आउट हो जाएगा, कहाँ पे, वो जो इंटरमीडिएट क्यू है वहाँ पे चला जाएगा। तो जब वहाँ पे चला जाता है तो हमारे पास जो स्पेस है वो 14 MB वो एम्प्टी रह जाता है। अब यहाँ पे कोई फोर्थ नंबर प्रोसेस है जिसका साइज़ है 8 MB, वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, क्यों पे, क्योंकि यहाँ तो एडजस्ट हो नहीं सकता, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है और यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे 6 MB का जो स्पेस है वो रिमेनिंग वो ऐसे ही फजूल में वो ज़ाया हो रहा है, ठीक है। अब इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि ये अब प्रोसेस 1 भी है वो रेडी नहीं है, प्रोसेस 4 है, प्रोसेस 3 भी है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये स्वैप आउट हो जाएगा तो 20 MB का स्पेस यहाँ पे बाकी रह गया है। तो अब प्रोसेस 2 जो है वो दोबारा अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इसने अब कंप्लीट कर लिया, तो अब ये दोबारा से किस चीज़ के लिए रेडी हो गए हैं, प्रोसेसिंग के लिए रेडी हो गया है। तो अब ये इंटरमीडिएट क्यू से दोबारा मेमोरी पे आ सकता है। तो अब चूँकि 12 प्रोसेस 2 का साइज़ कितना था यहाँ पे, 14 MB, तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है और यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। तो अब आप लोग खुद देखें कि वेरिएबल या डायनेमिक जो पार्टीशनिंग है वो फिक्स्ड साइज से बेहतर है, लेकिन यहाँ पे जितने प्रोसेस चेंज होते जाते हैं तो यहाँ पे होल्स वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि क्या है, जो कि स्मॉल साइज के वो स्मॉल साइज के स्पेसेस हैं, लाइक 4 MB, 6 MB एंड 6 MB, जो कि यहाँ पे साइज बहुत कम है, तो ये हम किसी को अलर्ट नहीं कर सकते। तो इसका एक ये मसला है। तो इस मसले के लिए फिर क्या आ गया, कंपेक्शन आ गया। कंपेक्शन इज़ अ प्रोसेस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ होल्स इन वेरिएबल साइज पार्टीशन। जो अभी हमने वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग कहा, इसमें कौन सा मसला इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो होल्स का मसला इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन दिस इन कंपेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट्स द प्रोसेसेस इन मेमोरी टू प्लेस ऑल द फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन ब्लॉक। कंपेक्शन एक ऐसा टेक्निक है कि जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता रहता है, ये जो प्रोसेसेस हैं इसको मुसलसल शिफ्ट करते रहते हैं ताकि ये जो एम्प्टी स्पेसेस है इनको एक ही ब्लॉक में एडजस्ट किया जा सके। तो आप लोग अब खुद लेके 6+6 12, 12+6 16 MB का स्पेस ये प्रोड्यूस कर सकता है ये जो कंपेक्शन प्रोसेस है। बट दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर एंड वेस्टफुल ऑफ प्रोसेसर टाइम। लेकिन ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है और वेस्टफुल प्रोसेस है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले जो हमने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट वो स्टडी कर लिया, तो स्वैपिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रोसेस एक्चुअली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा होता है, तो वो हम वहाँ से स्वैप आउट कर सकते हैं इंटरमीडिएट क्यू में और दोबारा से फिर क्या कर सकते हैं, स्वैप इन भी कर सकते हैं। तो इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो मेमोरी में किसी प्रोसेस का जो
एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे खुद देखें कि यहाँ पे पहले प्रोसेस टू कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो यहाँ पे इसका एड्रेस कोई और होगा, और जब स्वैप आउट हो गया और दोबारा से स्वैप इन हो गया तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इससे मैं एक्चुअली वो पॉइंट आप लोगों को क्लियर कराना चाह रहा था कि माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग टेक्नोलॉजीज में हम लोग दो एड्रेसेस पढ़ रहे थे, एक था बेस एड्रेस और दूसरा था लॉजिकल एड्रेस या जो डिस्प्लेसमेंट थी। तो उधर एक्चुअली बेस एड्रेस और वो लॉजिकल एड्रेस का कंसेप्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस का या इंस्ट्रक्शंस की जो एड्रेस है वो चेंज होती रहती है, तभी हमारे पास बेस एड्रेस वो कांस्टेंट रहेगी और जो लॉजिकल एड्रेस है वो चेंज होती रहेगी। और बेस एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को जब हम ऐड कर लेते हैं उससे बन जाता है फिजिकल एड्रेस। सो दिस वॉज एक्चुअली पार्टीशनिंग एंड आई हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस के वाई वी आर यूजिंग लॉजिकल एड्रेस एंड बेस एड्रेस। सो नाउ पेजिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। सो व्हाट्स एक्चुअली अ पेजिंग? इन बोथ अनइक्वल एंड वेरिएबल साइज पार्टीशंस जो अभी हमने स्टडी किए आर इनएफिशिएंट इन द यूज ऑफ मेमोरी। दोनों में हमने जो डिसएडवांटेजेस थी वो हमने देख ली कि उसमें एक्चुअली स्पेस जो है मेमोरी जो है उसका जो स्पेस है वो क्या होता है, ज़ाया होता है, वेस्ट होता है। सो देट वॉर एक्चुअली द इनएफिशिएंसी ऑफ बोथ अनइक्वल एंड वेरिएबल साइज पार्टीशंस। सो अब उसको एड्रेस करने के लिए जो नया टेक्निक इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड पेजिंग। इन पेजिंग मेमोरी इज पार्टीशनड इंटू इक्वल फिक्स्ड साइज चंक्स दैट आर रिलेटिवली स्मॉल एंड कॉल्ड फ्रेम्स। पेजिंग में एक्चुअली इस तरह होता है कि जो मेमोरी है इसको डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड साइज चंक्स में। चंक का मतलब यह है कि साइज बहुत स्मॉल होता है रिलेटिवली जो अनइक्वल और वेरिएबल साइज में जो डिवीजन थी ऑफ मेमोरी की उसके मुकाबले में इसका जो साइज है वो काफ़ी कम होता है। एंड दीज चंक्स ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड फ्रेम्स। सिमिलरली प्रोसेस जो होते हैं अभी तक जो हम प्रोसेस स्टडी कर रहे थे चाहे वो अनइक्वल पार्टीशन में था या वेरिएबल साइज पार्टीशन में था या सिंपल जो अभी हम लोग वो स्टडी कर रहे थे जॉब्स या प्रोसेसेस, उसको एक्चुअली वो एक कंप्लीट प्रोसेस था, उसको एक्चुअली उसमें डिवीजन नहीं हुई थी। लेकिन अब इसमें पेजिंग में जो है उसमें उस प्रोसेस को भी स्मॉल जो है चंक्स में डिवाइड किया गया है एंड दीज चंक्स ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड पेजेस, ठीक है। Like we can see that on the other hand, process is also divided into small fixed size chunks of some size, कोई साइज हो सकता है, and these are called pages. So अब इसका फायदा क्या होगा? अभी हम डिस्कस करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इन पेजिंग पेजेस आर असाइंड टू फ्रेम्स ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस ए है, सॉरी एक ही प्रोसेस है प्रोसेस ए और दूसरा है मेन मेमोरी। इसी प्रोसेस को स्मॉल फोर चंक्स में डिवाइड किया गया है एंड ईच स्मॉल चंक इज कॉल्ड पेज। सो पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। ये अब हमारे पास मेमोरी है इसको भी स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया गया है एंड दीज चंक्स आर एक्चुअली इन यूज। ये जो है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है एंड ये ऑलरेडी इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाइड है। हमारे पास जो फ्री है वो कौन कौन से हैं, 13, 14, 15, 18 एंड 20। सो अब ये हमारे पास पेजेस 4 है और हमारे पास जो फ्रेम्स है वो 5 है। तो अब हम इसलिए इस प्रोसेस को एडजस्ट कर सकते हैं इन स्मॉल चंक्स और वी कैन से इन दीज फ्रेम्स। सो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास अब हम देख सकते हैं कि पेज नंबर 0 जो है वो कहाँ पे एडजस्ट हो गया है, वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, पेज 0 ऑफ ए, पेज 1 ऑफ ए, पेज 2 एंड पेज 3, ठीक है। इस तरह 4 जो पेजेस हैं प्रोसेस है उनको फ्रेम्स में एडजस्ट किया गया है। तो अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हमारे पास जो स्मॉल वो स्पेस था लाइक जो वेरिएबल और फिक्स में ज़ाया होता था 2 MB और समथिंग 6 MB, अब उससे स्मॉल स्पेस को भी हम पेजेस
पेजेस के थ्रू हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड एक्चुअली द मेमोरी मैनेजमेंट इज परफॉर्म, और हमारे पास ये जो है ये इफ़िशेंट है, इसमें हमारे पास मेमोरी के जो साइज़ है वो ज़ाया नहीं होती। सो दिस वॉज एक्चुअली द थर्ड टेक्निक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। सो इस तरह से हमारा जो मेमोरी है वो इसी तरह से मैनेज हो रहा होता है, और ये सारा काम कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड आई होप के इस लेक्चर के थ्रू आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि व्हाट्स एक्चुअली एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट्स एक्चुअली द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेन मेन जो प्रॉब्लम्स थी और किस तरह उसको सॉल्व किया गया उसका भी आप लोगों को आइडिया होगा, और जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को इसका भी आइडिया हुआ होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम की डिस्कशन करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट्स एक्चुअली द साइज ऑफ मेमोरी। सो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम मेमोरी का जो साइज़ है वो क्यों ज़्यादा चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो एक्चुअली मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो ही हमारा जो रैम है उसका साइज अगर ज़्यादा होगा तो मोर प्रोग्राम्स ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं, और जब मोर प्रोसेस ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं तो फिर मल्टी प्रोग्रामिंग वो इजीली हो सकती है। एंड दैट्स एक्चुअली वी वांट के मल्टी टास्किंग हो या मल्टी प्रोग्रामिंग हो, और हमारे पास जो मल्टी प्रोसेस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर ले, हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर ले, हमारा मोबाइल फ़ोन परफॉर्म कर ले, और एफिशिएंट हो। एफिशिएंट मींस प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है, स्लो ना हो, स्टक ना हो। तो एक्चुअली दीज आर एक्चुअली द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड आई होप सो कि आप लोगों को इसकी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। सो टिल नाउ टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।